संघ, सियासत और सपना। जी हां, अब बात करते हैं नीतीश के नारे की। नीतीश आजकल हर मौके पर गैर संघवाद के नारे को बुलंद करते नजर आते हैं और सियासी गोलबंदी की अपील करते हुए अक्सर दिख जाते हैं। इसके पीछे नीतीश के हसीन सपने को देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बता रही है। जैसे एक दौर था जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद की कही थी, आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा और उसी के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। वैचारिक रूप से भी काउंटर करेंगे और राजनीतिक रूप से भी करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए जो भारत माता की जय से मुक्ति के लिए और संघ की मुक्ति के लिए कहेगा, वो सब कट्टरता, अलगाववाद और हिंसा से मन मस्तिष्क से भरे हैं। तो उसका परिणाम भी उनको मालूम है, इसलिए बहुत ही जिसको कहिए कि शार्प रिएक्शन लोग दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, तो ये नरेंद्र मोदी का नकल कर रहे हैं कि बीजेपी संघ मुक्त भारत। सियासत दरअसल इसे ही कहते हैं। नीतीश कुमार ने दो दिन पहले गैर संघवाद का नारा क्या बुलंद किया, सियासत इस नारे के इर्द गिर्द घूमने लगी। दरअसल नीतीश जानते हैं कि गैर संघवाद ही नारा है जिससे मिशन 2019 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सियासी गोलबंदी की जा सकती है। यही वजह है कि बार बार नीतीश इसके लिए सियासी पार्टियों को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। हम जिस विचार को सही नहीं मानते हैं, उस विचार को काउंटर तो करना ही चाहेंगे, वैचारिक रूप से भी काउंटर करेंगे और राजनीतिक रूप से भी करेंगे। तो वैचारिक रूप से तो काउंटर हम लोग सदैव करते रहे हैं, और जहां तक राजनीतिक रूप से उसका मुकाबला करने का प्रश्न है, मेरी अपनी समझ है कि सब लोगों को किसी न किसी प्रकार से एकजुट होना होगा। बीजेपी भी मानती है कि 2019 में पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार संघ मुक्त का नारा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताकर मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत की नकल करने का आरोप लगा रही है। तो संघ नीतीश के नारे को कट्टरता से जोड़कर देख रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नकल ही करना है तो नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों का नकल करें। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, तो ये नरेंद्र मोदी का नकल कर रहे हैं कि बीजेपी संघ मुक्त भारत। नीतीश कुमार से पूछो कि वो हिंदुस्तान ऐसा चाहता है कि हिंदुस्तान में लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो, ये चाहता हूँ। इसलिए जो भारत माता की जय से मुक्ति के लिए और संघ की मुक्ति के लिए कहेगा, वो सब कट्टरता, अलगाववाद और हिंसा से मन मस्तिष्क से भरे हैं। बीजेपी आरएसएस की इस प्रतिक्रिया में नीतीश अपनी रणनीति की कामयाबी देख रहे हैं और इसे बीजेपी आरएसएस की बौखलाहट करार दे रहे हैं। देशव्यापी इस तरह की कोई गोलबंदी होगी अलग अलग राज्यों में और कुल मिलाकर पूरे देश में, तो उसका परिणाम भी उनको मालूम है, इसलिए बहुत ही जिसको कहिए कि शार्प रिएक्शन लोग दे रहे हैं। वैसे गैर संघवाद के खिलाफ नेतृत्व के सवाल को टालते रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश की इस नीति को मिशन 2019 से ही जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल सवाल है कि बिहार से बाहर भी क्या नीतीश कुमार की यह रणनीति कामयाब होगी। अमित शाह और ब्रिजमोहन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।